भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर सिंगरौली में जयन परियोजना अंतर्गत कल्याण मंडप के पास भगवान परशुराम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इसके बाद यहां अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के तत्वाधान में सभा आयोजित की गई, जिसमें वृंदावन धाम से पधारे मानस तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जयंत परियोजना अंतर्गत कल्याण मंडप के पास कार्यक्रम में भगवान परशुराम के जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया और उनके आदर्शों पर चलने तथा समाज में ब्राह्मणों की भूमिका पर चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए रूपेश चंद्र पांडे ने कहा कि ब्राह्मण कभी भी जातिवादी नहीं रहा, ब्राह्मण सभी के साथ में लेकर चलने वाले एक अगुआ के रूप में रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर्ड सहायक संचालक कृषि ज्योति स्वरूप दुबे ने की। मुख्य अतिथियों के रूप में रूपेश चंद्र पांडे और नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे उपस्थित रहे। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को सभी देशवासियों को आप सभी को मैं सर्वप्रथम जन्मोत्सव की बधाई देना चाहता हूँ। परशुराम भगवान के मंदिर निर्माण के लिए ये बहुत दिनों से हम लोगों का प्रयास चल रहा था। जैन परियोजना के सभी ट्रेड यूनियन के साथियों ने, अध्यक्ष और सचिव जी ने जिस तरह से मेरा सहयोग किया और मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने आगे आए और भूमि पूजन आज करवाया, आज सबसे गौरव और सबसे उत्साह का दिन है। हम सभी जैन के ट्रेड यूनियन के लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।